अपने घर में हो, इस समय तुम्हारा मन तो लग रहा होगा, सत्य नहीं सारा दिन मन नहीं लगता मेरा, तो सारा दिन बड़ा दुख लगा मुझे अपनी बात सुन। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने क्या समझाया, मैंने कहा देख इतना अच्छा मौका मिला है तुझे इस समय भजन करने का, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। बच्चे अपने सब सेटल अपने अपने काम में लगे हुए, तू अपना बैठ करके प्रभु जी के मंदिर में नौकर चाकर लगे हुए, काम कुम देखा भला, रोटी राटी का व्यवस्था करी, ये करी वो करी, ये थोड़ा सा कर दिया और उसके बाद बैठ जा जाप कर, अनुष्ठान कर, पैर दुखने लगे खड़ी होकर के घूम के कर, खड़ी होके कर घूम के कर मंत्रों के जाप। एक आज ज्ञानेंद्र की पत्नी आई थी शर्मा जी, आज मेरे से बड़े दावे के साथ बोल रही थी, वो यहाँ बैठी हुई है सबके सामने, कहती है माता जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो बस मंत्र जाप करती हूँ जो आपने दे दिया, मैं तो मंत्र जाप करती हूँ और उस मंत्र के जाप से वो बिल्कुल ठीक होगी, उसे कोई दवाई विशेष नहीं खानी पड़ी, हल्की फुल्की खाई होगी लेकिन वो उसका बीमारी बिल्कुल ठीक होगी, मंत्र का जाप। सुन रहे हो ना मेरी बात, अभी जयपुर गए थे हम, जयपुर में एक वो है क्या है वो पिक्चर हॉल, पिक्चर हॉल का नाम है राज मंदिर, अगर तुम लोग जयपुर गए हो तो तुम्हें पता होगा राज मंदिर एक पिक्चर हॉल का नाम है। वो राज मंदिर को देखने के लिए जैसे ताजमहल को देखने आते हैं लोग आगरा के, ऐसे राज मंदिर को देखने के लिए जयपुर जाते हैं लोग, ऐसा वहां के लोगों ने मुझे बताया। और उसका आर्किटेक्ट जो है वो हमारे प्रभु जी का बच्चा है, उनका नाम है रमेश दीक्षित। तो वो रमेश दीक्षित को मैं अभी मिली, उनकी पत्नी बीमार है, जब उनकी पत्नी बीमार हुई होगी तो वो उनकी पूरी सेवा में लगे। उसके बाद क्या हुआ, दीक्षित जी को एक दिन बुखार आ, वो अपनी पत्नी से रोज कहा करते थे उषा तू दवाइयों के पीछे पड़ी रहती है, सिर में दर्द हुआ लाओ दवाई, पेट में दर्द हुआ लाओ दवाई, नाक में दर्द हुआ लाओ दवाई, आजकल तो ये चल रहा है, ये नहीं जानते साइड इफेक्ट रिएक्शंस कितने हो रहे हैं लोगों के। तो क्या हुआ, वो रोज कहा करते थे उषा तुम इतनी दवाइयां खाती है, मंत्र का जाप क्या करना, जाप की गोली मार वो ठीक रहेगी। तो उसने कहा हाँ, औरतों की आदत वो जरा थोड़ा फैशनेबल सी थी, उसने कहा हाँ तुम जरूर मंत्र जाप की गोली से ठीक कर लोगे, देख लेंगे। हाँ यूं ऐसे टालती थी, वो बड़े श्रद्धालु व्यक्ति हैं, बहुत मंत्र का जाप करती हैं दिनों रात। तो क्या हुआ, एक दिन दीक्षित जी को बुखार आ गया, बड़ा तेज बुखार, तो उनकी पत्नी से उन्होंने कहा उषा मुझे बुखार हो रहा है बड़ा तेज, देख रहा थर्मामीटर लगा था तो कितना 102, 103, 104 कुछ ऐसे बुखार। अब क्या हुआ, अब वो हंसने लगी उषा, कहती है अब दवाई खा क्या करोगे, तुम तो मंत्र जाप से उतार लोगे, जरा उतार के दिखाओ ना, तुम तो मुझे कह रहे थे ना परोपदेश पांडित्यम, दूसरे को उपदेश करते हो, जरा खुद करके दिखाओ। उसके मन में लग गई ये बात, उसने क्या किया, अच्छा उषा जब तू कह रही है तो ले मैं मंत्र जाप की गोली से ही बुखार उतार के दिखती हूँ, सच्ची घटना बता रही हूँ मैं तुम्हें, यहाँ कथाएं नहीं बोली जाती, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए तो तुम कहानी, ऐसा नहीं है यहाँ, यहाँ तो प्रैक्टिकली आओ और करो और लो, ये कथाएं सुनते जिंदगी गुजर गई तुम लोगों की, एक से एक कथा बातें करा रहे हैं, खूब पैसे मार रहे हैं तुम लोगों के भी और तुम भी उनके सहारे खूब कर रहे होंगे सासे दरबार की, है ना। तो क्या हुआ, क्या कह रही थी मैं, क्या कह रही थी मैं, दीक्षित जी ने ये बात सामने कही, अच्छी बात कही, सामने बैठे बोले अच्छा उषा अब मैं तुझे
मंत्र जाप की गोली से ही अपने बुखार को ठीक करके दिखाऊंगा। वो लगी बात, बैठ गए। बुखार तो तेज था किंतु वो बैठ गए। 2 घंटे लगातार उन्होंने मंत्र जाप किया। 2 घंटे की बात की ना, 2 घंटे मंत्र का जाप लगातार करते रहे। और 2 घंटे के बाद कहते हैं उषा जरा थर्मामीटर लगाना, बिल्कुल नॉर्मल। उषा कहती है भाई तुमने तो कमाल कर दिया, वाकई मंत्र जाप तो सब काम करता है तुम्हारा। मंत्र के अंदर गुरुदेव स्वयं बैठते हैं, शक्तिवान गुरुदेव। साधारण गुरुदेव के बेचारे जैसे हैं वैसे तुम्हारे सामने, उनकी क्या कहूंगी, शक्तिवान गुरुदेव। उसके अंदर प्रवेश करके बैठते हैं। वहां कुरुक्षेत्र की घटना सुनाई थी मैंने तुम्हें, कई दिन पहले बुढ़िया मंत्र लेके चली गई हमसे, और प्रभु जी का स्वरूप और महाराज जी का स्वरूप उसको मिल नहीं पाया। कहीं से मेरा फोटोग्राफर ये खींचते रहते हैं फोटो फाटो, कहीं से मेरा फोटो लगा लिया उसने, सहेलियों को दिखाने लगी, बुढ़ियाओं को कहने लगी मैंने गुरु गुरु बना लिया। सहेलियां कहने लगी दिखाना कौन सा बनाया, तो मेरा फोटो दिखा लिया। अब वो 80 साल की बुढ़िया और मैं उसके सामने लड़की सी हूं एक किस्म से। तो उसने कहा, बुढ़िया कहती है ए यो क्या गुरु बनाया तेने, तेरी मत मारी गई। तो 80 साल की बुढ़िया एक तो लड़की बना ली, छोटी सी जरा सी लड़की तेरे सामने, और तू 80 साल की बुढ़िया ना कोई लाल पीले कपड़े जटाई ये वो, तब कोई महात्मा होता राख रूप लगा के तो गुरु सा लगता भी, क्या गुरु लग रहा है तो लगी नहीं हो क्या पार पारेगी तेरे को। बस ये बात उसके मन में साथियों की जल्दी बैठ जाती है, बुढ़िया के मन में बैठे कहने लगी मंत्र तो भूल गई, बस ये मंत्र याद हो गया। हाय मैंने ये क्या गुरु बना लिया। यही बात करते फिर ये मंत्र हो गया याद, मेरे को कर दी थी और किसी को याद तो मुझे करी, चाहे गुस्सा में करी, चाहे हाय मैंने गाली दे दी, चाहे कर तो मुझे ही रही। बोलो साथ तो क्या हुआ, सच्ची करना है बिल्कुल। बुढ़िया अभी जिंदा है कुरुक्षेत्र, तो क्या हुआ कि अब वो हाय हाय करती, अंत में वो बीमार होगी, बीमार होकर के चारपाई में बैठी, तो ऐसे बैठी हुई थी सिर पर हाथ रख के, हाय मैंने हाय क्यों कर लिया। तो उसने खुली आंखों देखा श्री आनंद कंद कल्याण धन प्रभु जी यूं आकर के सामने खड़े हो गए, और इतने लंबे खड़े हुए जमीन से लेके आकाश तक। प्रभु जी कहते हैं क्यों, छोटा गुरु बताती है, देख मैं कितना बड़ा गुरु। प्रभु जी और देख ये जो नाम मिला है ना, तेरे को मंत्र मिला है ना, ये मेरा नाम है। क्या कहा प्रभु जी ने, ये मेरा नाम है, और चिंता मत कर तू अभी नहीं मरती, जब तू मरेगी मैं आगे खड़ा हूं। बताओ कौन ठेकेदार बनता है ऐसा गुरु, बना के दिखाओ, अपना ही ठेका ले ले पहले, दूसरों का तो क्या ठेका लेंगे। बड़ी गहरी बात है, अगर समझ नहीं हो समझ नहीं समझ रही तो अभी संस्कार उदय नहीं है, अभी इतने पुण्य नहीं हुए, जब हो जाएंगे तब देखी जाएगी, जन्म में नहीं अगले में देख ली क्या फर्क पड़ रहा। बोलो साक्षी, इसलिए जो प्रभु के बच्चे हैं उनको इन बातों को समझना चाहिए, अंदर धारण करना चाहिए। और हम तो बहुत से लोगों को ये भी कह देते हैं, अगर कहीं से दीक्षा ली कोई बात नहीं, उसका जाप करते रहो, प्रभु जी को प्रणाम करके करो, तो भी कृपा कर देंगे हमको, लेकिन उतनी करें फिर जितने तुम करोगे उतनी। गलत नहीं कह रही हो, देखो भाई बुरा नहीं मानना, बुरा मानने वाली बात है, ये बिल्कुल यथार्थ सत्य बोल रही हूँ। इसलिए जिसको जैसा अच्छा लगे, हमें कोई भीड़ बढ़ाने का शौक नहीं है, हमें वो नहीं शौक है। बहुत से लोग मुझे कहा करते हैं कि क्या छोटा सा प्रोग्राम करते हैं ये वो, हम तो उस लेवल के प्रोग्राम, हमें हमको लेवल नहीं चाहिए, हम बिना लेवल के ही ठीक है, है ना, बिना लेवल के अपने 4 बच्चों में खुश हैं, इतने खुश हैं कि उस 1000-करोड़ों की भीड़ में हमारा मन खुश भी नहीं होगा,
क्योंकि हर बच्चे को हम देख नहीं पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, उनको प्यार नहीं कर पाएंगे, उनको भी संतोष नहीं होगा, आपको भी संतोष नहीं होगा। तो इसलिए भैया हमारे यहाँ की तो परिपाटी ऐसी है, उसी में आनंदित रहते हैं। बोलो सतगुरुदेव महाप्रभु योगी राज सिद्ध गुफा अलूपुर सांचे धीरे 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 सांस को खींचते हुए छोड़ते हुए ऊपर उठाइए, हाथ भी चलाइए, हरा भरा ऊपर जरा दीजिए, नंबर दो पीछे से आगे की ओर जाएगा।
हो गया। पैर की अंगूठा और ऊपर के पैर की एड़ी जमीन से लगना चाहिए, कमर नहीं हिलना चाहिए, केवल हिप्स तक ही हिलना चाहिए शरीर। और दाहिने पैर की अंगुली अंगूठा और बाएं पैर का एड़ी पृथ्वी से लगना चाहिए। अच्छा, इससे अपेंडिक्स की बीमारी जिनको होती है वो ठीक हो जाती है। हाथों के नीचे मल द्वार पर जो मल एकत्रित हो जाता है वो इससे आसानी से निष्कासित हो जाता है। इसको मगर लोट भी कहते हैं। भोजन ठीक तरह से पच जाता है, वृक्ष अग्नि बढ़ती है। जिन लोगों के पेट ऊंचे ज्यादा हो जाते हैं उनके पेट ठीक हो जाते हैं, किसी प्रकार की बीमारी नहीं रहती है, क्योंकि सारी बीमारियां पेट से ही होती हैं। आमाशय, पित्ताशय, ये सब आशय जितने हैं वो सब इससे ठीक रहते हैं। नाभि में अग्नि है, अग्नि का वास है।
इसलिए जठराग्नि इनकी मंद हो जाती है, वो प्रज्वलित हो जाती है और भोजन को ठीक तरह से पचा देती है। सायना पैर की तलवा उन्हें क्या कर दिया? पैर का तलवा जांग, पाए पैर के जांग के मूल में बिल्कुल रखिए और पैर को सीधा रखिए घुटने को, और फिर धीरे धीरे इसको धीरे धीरे नीचे जमीन तक लाइए, घुटना जमीन पर लग जाए ये, फिर उठाइए और फिर ऊपर लाइए इसको वैसे यथास्थिति तक, फिर दूसरी बार फिर उसको इसी प्रकार से जमीन पर ले जाइए। और अब फिर उठाइए उसको, तीसरी बार फिर नीचे जमीन तक तक अपने घुटने को लगाइए। इस प्रकार से एक पैर से तीन बार किया जाता है। अब इस दाहिने पैर को सीधा कर लीजिए, बाएं पैर के तलवे को उसी तरह से जिस प्रकार से पहले रखा था उस प्रकार से दाहिने पैर पर रखिए, सीधा रखिए घुटने को, पैर को। अब इसको नीचे धीरे 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 जमीन तक लाइए घुटने को, जमीन को स्पर्श कर ले, फिर ऊपर लाइए धीरे धीरे। अब नीचे ले जाइए जमीन तक, ऊपर लाइए धीरे धीरे, अब नीचे फिर लाइए जमीन तक, बस। दाहिना पैर और बायां पैर, दायां पैर और बाईं और दाहिना ही जो है हाथ, दोनों ऐसे साथ साथ उठना चाहिए, ऐसे जैसे बच्चा मचलता है इस प्रकार से आप मचलिए, और एड़ियों को जमीन से बिल्कुल घिसकते रखिए, खूब ताकत के साथ कोहनियों को ऊपर उठा लेना चाहिए, जमीन पर नहीं रखना चाहिए कोहनी को, और खूब शक्ति के साथ में इसको चलाइए, जैसे बच्चा जो है चलाता है, बच्चा अपना बचपन की उसकी यही कसरत होती है, इस प्रकार से वो अपने सारे बीमारियां उनकी दूर हो जाती हैं, और जो कुछ खाता पीता है वो सब उसको हजम कर लेता है, दूध पीता है माँ का। ये क्रिया एक मिनट की है, हो गया। और बाल कृष्ण भगवान का बाल रूप का ध्यान कीजिए, ऐसे कीजिए कि जैसे मान लीजिए भगवान बाल कृष्ण एक उद्यान में खेल रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं, गुलाब के फूल को उछालते हुए इस प्रकार से अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं, इस प्रकार का ध्यान आप अपने चिंतन करिए, पांच मिनट करिए। Thank you.
नाड़ी संचालन, अपने पैरों को अधिक से अधिक फैलाइए और दाहिने पैर को दाहिने हाथ के उंगलियां बाएं पैर से कसो, पक्षी की तरह से एक हाथ पीछे जा एक हाथ आगे आना चाहिए। इस प्रकार से ये नाड़ी संचालन शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं योगियों के द्वारा, ये सारी नाड़ियां इससे शुद्ध हो जाती हैं। अरे इधर आसन कर ले, आसन बैठ जा। कोई भी विकार नहीं रहता है शरीर के अंदर। दाहिना पैर और दाहिना हाथ उठाइए और नीचे झुटका देके सीधे कर दीजिए, बाया पैर उठाइए और हाथ उठाइए नीचे इस तरह से, फिर दोबारा और फिर दोबारा इधर, तीसरी बार और खींच ऊपर को बिल्कुल गर्दन खींच लिया करके हाथ की हथेली को रखिए, बाएं पैर को नीचे और दाहिने पैर को ऊपर और दोनों पैरों के टखनों को मिलाइए, टखने के ऊपर टखना आ जाए और दोनों घुटने जमीन से लग जाना चाहिए।
की हड्डियां सीधी रह जाइए मेरे दर्द समक काया समझी गर्दन को ऊपर ध्यान दीजिए कॉपी किया जाता है जो पा रही है और वो बोल रही हूँ मैं।